इन अ रिलेशनशिप सपोज हस्बैंड वाइफ है, आप दोनों हैं, व्हाट इज योर शेयर इन टर्म्स ऑफ कीपिंग द रिलेशनशिप गोइंग ग्रेट? अगर हम बोलते हैं 100% है, तो आपका शेयर कितना होना चाहिए उस रिश्ते को अच्छा और स्ट्रांग करने के लिए? 100% अगर हम बोलते हैं रिश्ते में जान डालनी चाहिए, तो दो लोग हैं, दो लोग मिलके उस रिश्ते को आगे ले जाते हैं, आपका शेयर कितना होना चाहिए उस रिश्ते में? देखो 50 तुम्हारा है, 50 मेरा है। अभी आप देखो ना, अक्सर शुरुआत में गड़बड़ यहीं से हो जाती है। ये देखो, दो लोग हैं, रिश्ते को क्या चाहिए? 100% राइट। तो दो लोग हैं, कहने 50 मैं देता हूं, 50 तू दे, ठीक है। इन्होंने 50 दिया, तो 50 देगा, ले 40, 40 ये ले 30, 30 ये ले 20, 49, 51। इन अ रिलेशनशिप द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम आइदर ऑफ द स्पाउस इज ऑलवेज 100%, ऑलवेज 100%। तू नाराज हो गई, ले 100%, तू और नाराज हो गई, फिर भी 100%, तू सुपर नाराज है, फिर भी 100%, तू बिल्कुल ही मुंह भुलाए बैठी है, फिर भी 100%, तू मायके घर लेके जा रही है, 200%, तो को छोड़ के आऊंगा। आउट ऑफ ह्यूमर। सो एज लॉन्ग एज, देखो प्रॉब्लम कब आता है, व्हेन आर शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन बिकम्स लेस। ये रिश्ता हमारा है, रिश्ता मेरा नहीं है, रिश्ता हमारा है। द मोमेंट यू थिंक हमारा है, देन योर शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन स्टेज देयर। एंड ऐसा होगा, कभी ऑफिस से वो झगड़ के आएंगे, कभी ऑफिस से लोड लेके आएंगे, कभी दिमाग सटका होगा, कभी फाइनेंशियल प्रेशर होगा, कभी कुछ चैलेंज होगा, ही विल नॉट बी एबल टू गिव 100%, बट यू गिव 100%। कभी आप घर आते हो, भाई नहीं है, बच्चों का प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज है, रिलेशनशिप चैलेंजेस है, कुछ समाज में कुछ बात हो गई, किसी ने कुछ कहा सुनी हो गई, शी इज नॉट एबल टू गिव 100%, बट यू आर गिविंग योर 100%। दोनों में से एक तो है जो 100 देने को हमेशा तैयार बैठा है, कभी आप देते हो, कभी वो देता है। और जब ऐसे दोनों 100 देते हैं, कोई ना कोई 100 देता है, तो रिश्ता फिर भी 100 पे रहता है। एम एबल टू कनेक्ट ऑन दिस? सो इफ यू कैन जस्ट कीप दिस इन माइंड, दिस विल ओनली कम फ्रॉम द व्हाई। व्हाई एम आई इन अ रिलेशनशिप? आई एम देयर टू गिव माय 100%। कब तक? एक पिक्चर आई थी शाहरुख खान की, जब तक है जान, जब तक है जान। एज लॉन्ग एज यू आर इन मैरिड लाइफ, यू हैव टू कीप ऑन गिविंग। ये अपने फोटो खिंचा कैसे लगा दो रूम के बाहर। एंड द मोर यू हैव दिस इन योर माइंड, द मोर यू विल रियलाइज दैट इट्स ओके। यू विल सी दैट रिलेशनशिप विल ऑलवेज गिव यू द बेस्ट, क्योंकि आपका 100% जा रहा है। और अगर दोनों साइड में ये थॉट प्रोसेस है कि यार मैं 100 दूंगी अगर वो डाउन है तो क्या हुआ, मैं 100 दूंगा अगर वो डाउन है तो क्या हुआ, फिर देखो रिश्ता कितना चरम सीमा पर जाता है। जब हम कंपटीशन में आ जाते हैं, तू डाउन मैं सुपर डाउन, देन वी समवेयर डिस्ट्रॉय दैट डे, दैट मोमेंट, दैट वीक। कहीं ना कहीं किसी ने किसी को तो अपना होल्ड करके रखना ही पड़ेगा इस, राइट। सो दिस इज अ रियलाइजेशन इफ यू कैन हैव इन अवर लाइव्स, दैट व्हाट टू डू, स्टे हैप्पीली मैरिड। हाउ? N number of books available, N number of talks available, N number of activities done, you can do how. Problem आता है how में, कितना भी कर लो यार मानती नहीं, हमने बहुत कर लिया, बहुत सुन लिया, how में problem आता है। Go to your why. Why are you together? And the why will give you the energy to bounce back. And both of you have a same why. You can discuss, you can share, you can communicate. And if you can have communication happening at a level which is at the same, बहुत सारी बातें हो सकती। I see communication happening at different levels. If you can bring your spouse to your level, somebody is higher, somebody is lower. Can you bring that to the same level? And फिर जब उस level में बातें होती हैं, तो फिर आपका रिश्ता अलग level पे जाता है। We speak on such awesome levels in terms of, I'm not saying it's the world's best, but we speak on all subjects. We speak on business, we speak on children, we speak on traveling, we speak on adventure, we speak on contribution, we speak on dreams, we speak on aspirations. एक दूसरे के सपनों में बातें होती हैं कि तुम्हारे सपने क्या हैं, एक दूसरे को उस चीज में ले जाने की बातें होती हैं कि जहां पर आपको जाना है। Now she is going next month, she is going for 4 days free day, so we have a concept where we would like to have time for ourselves. So she spends those days with herself, no bachche, no kids. I'll take charge of home.
There are times when I go outside, when I'm free, I'm not doing anything, just I stay with myself. She understands that I need my time. I understand she needs her time. लेकिन दोनों का सोच एक लेवल पर आए तभी तो ये पॉसिबल हो पाया। अगर वो मैं नीचे रखूंगा उनको कि उनको मैं ये चीज बताऊंगा नहीं कि क्या ये चीज इंपॉर्टेंट है उनके लिए, उनको नहीं बताऊंगा और मैं अपनी जिंदगी जीते रहूंगा, ये भी सही नहीं है। अगर हमारे सपने शेयर हो सकते हैं, डिस्कशन हो सकते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड वी हैव टू हैव डेफिनेशंस व्हिच आर ब्रॉडर, आवर डेफिनेशंस आर वेरी नैरो। एक वाइफ क्या मीन करता है, एक हस्बैंड क्या मीन करता है, अगर हम उस डेफिनेशंस को ब्रॉड करेंगे और उसको एक एक्सपेंडेबल मोड में रखेंगे, यू विल सी दैट एवरी डे योर स्पाउस विल मीन समथिंग एल्स टू यू, बिकॉज हमने डेफिनेशंस को आजाद रखा है। डेफिनेशंस आर नथिंग एल्स बट एक स्पेक्टिकल थ्रू विच वी सी। वाइफ मतलब ये, हस्बैंड मतलब ये, अगर हमने उसको एक्सपेंडेबल मोड में रखा, एवरी डे द स्पाउस कैन मीन समथिंग डिफरेंट। सम डेज इट कैन, ही कैन बिकम अ फ्रेंड, सम डेज ही कैन बिकम अ हस्बैंड, सम डेज ही कैन बिकम अ चाइल्ड, सम डेज शी कैन बिकम अ मदर, सम डेज शी कैन बिकम अ गाइड, शी कैन बिकम अ टीचर, शी कैन बी अ को ट्रैवलर, शी कैन बी अ बिजनेस पार्टनर। तो जब आप एक्सपेंडेबल मोड में रखते हो डेफिनेशंस को, तो फिर आप स्पाउस को अलग अलग दर्जा दे सकते हो, अलग अलग रूप दे सकते हो। नहीं तो अनजाने में हम उसको एक ही रूप देते हैं, तो वाइफ है और वाइफ की परिभाषा हमारे मन में बड़ी सेट होती है, हस्बैंड की परिभाषा बड़ी सेट होती है। I'm just saying, open it up as much as possible. Let it be a association, let it be a get together of two souls, जिसको define करना संभव हो गया। अगर ऐसी जिंदगी जी ली तो कैसा होगा, जहां आपको देख के लोग बोले यार इनको define ही नहीं कर सकते यार, ये तो ऐसे जीते हैं, तो we can't define, we can't describe। Husband की definition को इन्होंने अलग level पे लेके गए, wife की definition को अलग level पे लेके गए। What are these guys? ये हैं कौन, ये कैसे जीते हैं? ऐसी जिंदगी हमारी होनी चाहिए, where we are not bounded by any definition of a wife or a husband. For that, we have to bring each other to a level where we see each other as two beautiful souls who have their own aspirations, their needs, their requirements, their lives, their responsibilities, and that's how things shape up. So, we just got this one life. I always feel. All of us, you, me, everybody. There's just one appearance. There is no second innings. There's no retake. एक ही life है. और हमारे तो धर्म में है ना कि there is no concept of divorce also. Do you know this? Provision ही नहीं है. शब्द ही नहीं है. हमारे उसमें शब्द ही नहीं है divorce का. हिंदी में कोई शब्द ही नहीं है. तो हम तो आ गए साहब अभी साथ. और 7 जन्मों को तो छोड़ो भाई, ठीक है उतना लोड मत लो, बट कुछ लोग के चेहरे बड़े लोडेड होगा, ठीक है भैया। बट आई ऑलवेज फील दैट दिस जस्ट वन लाइफ वी हैव गॉट, ऑल ऑफ अस, एंड लेट अस स्टैंड अप फॉर दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड मैरिज। क्योंकि अब है ना उसमें, जिस चीज में है ना, फिर वो चीज हमारी वजह से उठनी चाहिए। अगर हम पेरेंट हैं तो पेरेंटिंग शुड बी लिफ्टेड बिकॉज ऑफ द वे वी टेक केयर फॉर चिल्ड्रन। इफ यू आर इनटू बिजनेस, entrepreneurship should be lifted because we are in business. हमें देख के 10-15-20-50-100 लोगों ने कहना चाहिए मुझे भी entrepreneur बनना है। हमें leader देख के 10-15-20-50 बच्चों ने कहना चाहिए we want to become leaders like you. हमें as couples देख के बहुत सारे बच्चों ने कहना चाहिए I want to get married, माँ बड़ा कर जल्दी शादी करनी है, ऐसा बच्चों ने कहना चाहिए। I think then we have lived a great married life. We uphold the institution called marriage. We create an aura around this concept called marriage because हम उसमें हैं, और जिसमें हैं फिर उसको अच्छा करना है, अगर रह के अच्छा नहीं कर रहे तो वो निकल के अच्छा करना चाहिए, ऐसा मेरे सोचते। Either we stay in India and make it better or we leave India and make it better, am I right? रहते भी हैं और बुराई भी करते हैं तो क्या मतलब है? तो शादी में हैं तो फिर अच्छा करेंगे इसको, the world will talk about us. People around us will talk about us. Not because उनको हमारी बात करनी चाहिए, but because they should see us and get inspired. फिर जी का और मतलब क्या है? If you can't inspire a few souls, फिर उसमें रह के क्या मतलब? तो एक ही life है. और अभी भी बहुत दिन बाकी है. Let's live a life where we create some awesome memories.